जय नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली होने वाला है भारतीय वायुसेना में जो एक नई वैकेंसी आई है इसके बारे में, इसका क्या क्राइटेरिया, कैसे इसका फॉर्म भरना है, इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा दोस्तों। और जो ये नई वैकेंसी इसमें कौन कौन से स्टाफ की आई, आप सभी को पता है कि इसमें बहुत सारे मतलब सेक्रेटरी आई है। इसमें देखिए आप जो ये ऑफिशियल नोटिस है एयरफोर्स वायु ग्रुप की इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट फॉर द अंडर हेडक्वार्टर साउथ वेस्टर्न एयर कमांडिंग। तो दोस्तों इसमें ये वैकेंसी है, देखिए किस किस पहले देखिए इसकी जो एज क्राइटेरिया वो होने वाला 18 से 25 साल, उसमें एज में छूट भी मिलने वाली। इसमें कौन कौन से स्टाफ के दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, मेस स्टाफ, एलडीसी स्टाफ, क्लर्क, हिंदी टाइपिंग स्टाफ, स्टेनोग्राफर, सेकेंड स्टाफ, स्टोर स्टाफ, स्टोर कीपर स्टाफ, लॉन्ड्री मैन स्टाफ, कारपेंटर, पेंटर, कुक, फायरमैन, मतलब बहुत सारी पोस्ट की वैकेंसी आ रखी है। इनका पेमेंट क्या क्या है, टोटल डिटेल है दोस्तों, तो इस वीडियो में आप एंड तक देखिए, मैं आपको धीरे धीरे सभी टोटल की टोटल ये दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसकी वैकेंसी होने वाली है, टोटल वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं, किस प्रकार से आपको इसको फॉर्म फिलअप करने और पूरी की पूरी डिटेल देने वाला हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों सबसे पहले देखिए इसकी एज जो क्राइटेरिया है वो 18 से 25 साल होने वाला है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास दोस्तों। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 10th पास की आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसके लिए कोई कोर्स आपका या कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। मल्टीटास्किंग स्टाफ क्वालिफिकेशन आप सभी को पता है कि इसमें यूनिवर्सिटी बोर्ड से मतलब आपकी 12th पास होनी चाहिए, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर, मतलब 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कहीं पर भी आप राइटर का काम किए हो। एलडीसी के लिए आपको 12th पास चाहिए और आपके इसके लिए हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आप जो चुनो उसमें, अगर हिंदी चुनते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट और अगर इंग्लिश चुनते हो दोस्तों तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से 10,500 टोटल वर्ड है वो टाइप करने होंगे दोस्तों। एलडीसी के लिए आप सभी को पता है कि 12th पास होनी चाहिए। क्लर्क हिंदी टाइपिंग, इसके लिए आपको 30 वर्ड पर सेकेंड के हिसाब से 9,000 वर्ड टाइप करने होते हैं दोस्तों, 30 वर्ड पर सेकेंड के हिसाब से इसमें कुछ छूटें दी गई है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 12th पास होना चाहिए इसके लिए, और ये किसी भी मतलब बोर्ड से होनी चाहिए, वो फर्जी बोर्ड नहीं होना चाहिए, कहने मतलब ये 10 मिनट 30 वर्ड पर सेकेंड, यानी 10 मिनट में 80 वर्ड आपको पर मिनट के हिसाब से लिखना है दोस्तों। इसमें स्टोर, ये ग्रेजुएशन यानी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए स्टोरमैन के लिए दोस्तों, स्टोर सुप्रिटेंडेंट की पोस्ट आती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये, इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्टोर कीपर, इसके लिए 12th पास होना चाहिए दोस्तों और इसके साथ आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लॉन्ड्री मैन के लिए भी कोई एक्सपीरियंस, वन ऑफ एक्सपीरियंस धोबी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट, यानी किसी भी इंस्टीट्यूट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे 1 साल का धोबी का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉन्ड्री मैन के लिए दोस्तों। इसके आगे अगर आगे चलते हैं वार्ड सेविका, इसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों पढ़ सकते हैं वार्ड सेविका में दोस्तों, तो इसमें आपको मतलब नर्सिंग का होना चाहिए हॉस्पिटल में, या नर्स रहे हो या नर्सिंग आपने की है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कारपेंटर यानी जो खाती का काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही भर सकते हो, आपको काम आना चाहिए इसका। उसके बाद में सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर ड्राइवर यानी ड्राइवर हो, या इसके लिए आपको कम से कम हैवी लाइसेंस को आपको कम से कम 3 साल या 2 साल होनी चाहिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए। कुक के लिए डिप्लोमा 1 ईयर आपको एक ट्रेड का मतलब कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर। फायरमैन के लिए कुछ इसमें शर्तें रखी गई है दोस्तों, फायरमैन के लिए इसमें विशेष शर्तें रखी गई है, वो क्या क्या देखिए, हाइट विदाउट शूज 165 सेमी आपको होनी चाहिए, 2.5 सेमी हाइट स्मॉल अलाउड, मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्रिप यानी कुछ जगह इसमें छूट दी गई, आदमी चेस्ट आपका 80.5 से 85 पॉइंट तक होना चाहिए दोस्तों, वेट आपका 50 kg मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा जो इसका टेस्ट होता है कैरिंग ए मैन फायरमैन 63.5 kg आपको वेट उठा के 183 मीटर 96 सेकंड में आपको जाना होता है, क्लियरिंग 2.5 मीटर वाइड इस लैंडिंग बहुत लॉन्ग जंप यानी लॉन्ग जंप होगा इसमें 2.7 मीटर का, क्लाइंबिंग 3 मीटर इसमें आपको वर्टिकल जो रोप है ऊपर चढ़नी पड़ेगी 3 मीटर की, ये फायरमैन के लिए कुछ विशेष छूट देगी। अब दोस्तों मल्टी इसमें स्टाफ में देखिए आपको जैसे मेस स्टाफ 18,000 रुपये है, सभी में मेस स्टाफ या टोटल 18,000 है, कुछ स्टाफ है जैसे CMTD इसमें 19,990 और बाकी सभी में 18,000 की फर्स्ट आपकी पेमेंट रहने वाली, जो बेसिक पे स्केल है वो 18,000 रहने वाला दोस्तों।
इसके बाद में आप देख लीजिए सभी का जो दिया हुआ अलग अलग जो अलग अलग सेक्टर का वाइज है, एमटीएस में टोटल पोस्ट हैं ये अलग अलग पोस्ट डिवाइड कर रखी है। आप ये पोस्ट आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो एयरफोर्स की वेबसाइट से भी, और नहीं तो जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप अच्छे से देख सकते हो, और इसका फॉर्म भरने का जो पीडीएफ वो भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए मेरे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टोटल जितनी भी पोस्ट है इसकी वैकेंसी इसकी पूरी और क्या क्या जानकारी, अब देखो बात करते हैं इसका फॉर्म भरने का दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, देखो एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई फॉर एनी अबव फोर्सेस, इनमें से आप किसी की भी अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफलाइन, यानी 30 दिन का इसमें टाइम होता है जब ये न्यूज़ आउट होती है उसके बाद में, यानी कल परसों तक ये न्यूज़ आउट हुई है, तो मतलब अभी आपके पास में 30 दिन है दोस्तों। अप्लाई फॉर द पोस्ट, सबसे पहले ऊपर लिखना है अप्लाई फॉर द पोस्ट एंड कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप करो, जैसे इसमें जो हाईलाइटेड डार्क से लिखा हुआ है अप्लाई फॉर द पोस्ट, ये ऊपर ऊपर लिखना आपके फॉर्म को, एंड कैटेगरी जिस कैटेगरी में आप कर रहे हो, सेल्फ एड्रेस एम्प्लॉय यानी जो एड्रेस आपका इसमें दिया हुआ है वो एड्रेस आपको लिखना है। अब इसके लिए आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स यानी जितने भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट अगर 12th पास है तो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने, चार फोटो आपकी इसमें लगेगी दोस्तों, वो चारों की चारों फोटो ओबीसी जिस कैटेगरी की उस कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी, और वो सभी इस प्रकार के आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के दोस्तों। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय मतलब 40 ईयर उनको छूट दी गई, 40 से 43 ईयर और 45 साल भी दी गई अलग अलग को। फॉर वुमन कैंडिडेट विडो यानी जितनी भी विडो यानी विधवा या तलाकशुदा, उन सभी को अलग अलग प्रकार की छूट दी गई दोस्तों। मोड फॉर सिलेक्शन, एप्लीकेशन आर द सजेस्ट फॉर द ट्रिम्स एंड एज लिमिट, यानी आपको एप्लीकेशन भरना, उसके बाद में एलिजिबल कैंडिडेट भी रिक्वायर्ड टू अपेयर रिटर्न टेस्ट, उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट लिया गया, टेस्ट बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। देन रिटर्न टेस्ट विल बी कौन सी, जनरल इंटेलिजेंस नंबर, यानी इसमें क्या क्या आएगा, जीके आएगी, मैथ आएगी, जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। द क्वेश्चन आंसर पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। और ये टेस्ट पास करने के बाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उसके बाद में जो जो पास कर लेंगे ये टेस्ट उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये फॉरम है दोस्तों, यहाँ से ये फॉरम आप ले सकते हो, ये मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाना। तो ये फॉरम आपको पूरा अप्लाई करना है, इसमें चार जो आपकी फोटो लगानी इधर लगानी, टोटल ये जो क्राइटेरिया इसका फिलअप करना है ये इस प्रकार से पेस्ट यूनिट राउंड, और इसमें जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भर के सेंड करना दोस्तों। अभी इसमें 30 दिन का आपको टाइम दिया गया है, 30 दिन का टाइम बहुत होता है। 30 दिन में आपको जिस पोस्ट में आप देखिए, किसी की 5 पोस्ट है, किसी की 3 पोस्ट है, किसी की 4 पोस्ट है, इसमें पोस्टें इतनी आती है दोस्तों, पे स्केल बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप ये ना सोचें कि पोस्टें कम है दोस्तों, होता ये है कि इसमें अधिकतर लोग फॉर्म ही नहीं फिलअप करते, और जो फॉर्म फिलअप करते हैं उनका नंबर भी आ जाता है आसानी से। तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है अगर आप डिफेंस में सर्विस करना चाहते हो। और हाँ, ये कोई प्राइवेट जॉब नहीं है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, आप कहीं पे भी चेक कर लेना, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। तो अगर ओरिजिनल नोटिफिकेशन प्राइवेट जॉब के लिए नहीं आती दोस्तों, सभी में टेम्परेरी जॉब शुरुआत में लिखा हुआ रहता है, तो ये मतलब आपका बहुत ही अच्छा जॉब है जिसमें एक्सपीरियंस है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हो। और जितने भी फॉरम है उसकी पूरी डिटेल दी गई है, कुछ अगर मैंने इसे रह भी गई है तो आप इसको खुद पढ़ के और टोटल फॉरम अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।